नमस्कार भैया बहनों, मैं नित्यानंद सोनवाल, कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी, पाठ आठ, बीरबल की बुद्धिमानी। भैया बहनों, आप अकबर और बीरबल की कहानियाँ, किस्से आपने बहुत बार सुने होंगे, उनके चुटकुले बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जग जाहिर हैं। इस प्रकार से उसी का एक अंश आपके पाठ में भी, आपके हिंदी विषय में भी दिया हुआ है, बीरबल की बुद्धिमानी। आइए, बीरबल की बुद्धिमानी, किस प्रकार से उसने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। कहा जाता है कि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान मंत्री थे अकबर के। अकबर जब कभी भी परेशानी में आ जाता था, उसको कोई परेशानी आती थी या कोई समस्या उसके सामने आ जाती थी, तो वह उस समस्या का हल जो है बीरबल ही निकालते थे। इस प्रकार से वो बादशाह की बहुत बड़ी मदद करते थे। आइए, अब हम जो है पाठ आठ, बीरबल की बुद्धिमानी का पाठ पढ़ेंगे। देखिए, लगाएंगे ध्यान से, आप पढ़ेंगे। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर सुबह की सैर करने निकले। रास्ते में उन्हें बीरबल मिल गए। अकबर ने बीरबल को भी अपने साथ सैर पर चलने के लिए कहा। बीरबल और अकबर सैर के लिए बड़े बाग की ओर चल पड़े। रास्ते में बीरबल अकबर को मज़ेदार किस्से सुना रहे थे। अकबर भी उन किस्सों को ध्यान से सुन रहे थे। अचानक अकबर का पैर किसी चीज़ से टकराया। अकबर ने उस चीज़ को उठा लिया। वह बांस का एक टुकड़ा था। उसे हाथ में लेकर उन्होंने इधर उधर हिलाया। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कराहट आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्यों ना बीरबल की परीक्षा ली जाए। उन्होंने वह बांस का टुकड़ा बीरबल की ओर बढ़ाते हुए कहा, बीरबल, इस बांस के टुकड़े को देख रहे हो? जी हुजूर, बीरबल ने कहा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें बस इतना करना है कि
इस टुकड़े को बिना काटे छोटा करना है। बीरबल समझ गए कि अकबर उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने अकबर को कोई उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्करा भर दिए। मन ही मन उन्होंने कुछ सोचा। उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक दीवार के सहारे लंबे लंबे बांस रखे दिखाई दिए। बातें करते करते बीरबल अकबर को उस स्थान तक ले गए। बीरबल ने वहाँ पहुँचकर एक लंबा सा बांस उठाया। पहले वाले बांस के टुकड़े को उन्होंने दाएं हाथ में लिया और दूसरे बांस के टुकड़े को अपने बाएं हाथ में, फिर अकबर को दिखाते हुए बोले, देखिए हुजूर, मैंने आपके बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर दिया। अकबर का दिया बांस का टुकड़ा दूसरे टुकड़े के सामने बहुत छोटा लग रहा था। अकबर बांस के दोनों टुकड़ों को देखकर मुस्करा दिए और बोले, वाह बीरबल, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। बीरबल भी चुटकी लेते हुए बोले, हुजूर, सब आपकी मेहरबानी है। आप नए नए प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए मुझे बार बार अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। बार बार कोई काम करने से वह काम आसान लगने लगता है। हम उसे अच्छी तरह कर सकते हैं। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। भैया बहनों, अभी आपने ये कहानी सुनी बीरबल और अकबर की। किस प्रकार से उसने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। राजा ने, अकबर ने बीरबल के सामने क्या प्रश्न रखा। उन्होंने एक बांस के टुकड़े को दिखाते हुए कहा कि देखो बीरबल, इस बांस को बिना काटे हुए इसको छोटा कर दीजिए। बिना काटे हुए इसको तुम्हें छोटा करना है। बीरबल ने कहा, ठीक है हजूर। अब वो
रास्ते में जा रहे थे, चलते 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 आगे चल करके बीरबल ने बांस के एक लट्ठों को देखा जो कि दीवार के सहारे रखे हुए थे। वो उनके पास राजा को ले गया और उसमें से जो राजा के हाथ में बांस था, बांस का टुकड़ा था, वो टुकड़े से भी बड़ा बांस का जो टुकड़ा था वो बीरबल ने वो दीवार में से, जो दीवार पर खड़े किए हुए थे बांस थे, उसमें से एक बांस उठाया और राजा से बोले, महाराज देखिए मैंने आपके बांस के टुकड़े को बिना काटे हुए ये छोटा कर दिया। उन्होंने एक हाथ में बीरबल का दिया हुआ बांस का टुकड़ा रखा और एक हाथ में जो स्वयं उस टुकड़े से बड़ा था, लंबा था, एक हाथ में उसको पकड़ा और बीरबल को, बादशाह को, अकबर को दिखाया। इस उत्तर से अकबर बहुत प्रसन्न हुआ और बीरबल से बोला कि वास्तव में आप जो है बहुत ही बुद्धिमान हैं और आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए ये सिद्ध कर दिया कि वास्तव में बुद्धिमान आप ही हैं। इसके जवाब में बीरबल ने भी कहा कि महाराज ये आपकी ही मेहरबानी है, ये आपकी ही कृपा है कि मैं इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के लिए अपने बुद्धि का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि आप भी जो है नए से नए प्रश्नों को मुझसे पूछते हैं और मैं उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता हूँ। भैया बहनों, अकबर और बीरबल की ये चुटकुले अनेक सारे हैं। इसी के संबंध में एक बार इसी से, ये बांस के टुकड़े से संबंधित इसी प्रकार का एक दूसरा प्रश्न अकबर ने एक कागज पर ये रेखा खींच दी और बीरबल से कहा कि बीरबल इस रेखा को छुए बिना, इस रेखा को छुए बिना इस रेखा को बड़ी बनाओ, यानी छुए बिना बड़ी बनाना है। तो बीरबल ने ये प्रश्न जब सुना और उन्होंने उस रेखा के नीचे, उसी रेखा के नीचे उस रेखा से बड़ी रेखा खींच ली। तो बोले, महाराज ये मैंने आपकी रेखा को बिना छुए हुए, बिना टच किए हुए इसको बड़ी बड़ी रेखा बना दिया। इस प्रकार से वह वहाँ भी अकबर ने बीरबल की तारीफ की और
हमेशा ही जब भी किसी भी समस्या में घिर जाते थे तो बीरबल उनकी सहायता करते थे। बीरबल उनके सर्वश्रेष्ठ मंत्रियों में से एक मंत्री थे। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं भैया बहनों। आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और आप इस पाठ को जो है अपने घर पर दोहराएंगे, इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे, इसकी कहानी को याद करेंगे और इसके शब्दार्थ भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।